कि फ्लेमिंगो यहाँ पर कब आते। एक्चुअली मुझे लगता है कि फ्लेमिंगो आने का टाइम एकदम शांत जगह, बाकी क्या ही बताया आप। Hey guys, welcome back to my new vlog. Guys, आज हम आए थे फ्लेमिंगो देखने के लिए सीउड। विंटर के मौसम में गाइज सुबह सुबह और इवनिंग के टाइम में यहाँ पर दिखाई देते हैं फ्लेमिंगो, बट आज हम आए थे सुबह सुबह 10 बजे और अभी टाइम देखो क्या हो रहा है। टाइम क्या हो रहा है? हाँ यहाँ पे देखो 11:30 बजने के लिए आ गए, पर अभी तक हमें यहाँ पर फ्लेमिंगो नहीं नजर आ रहे ज्यादा, जितना वीडियो बना सके उतना। और मैंने यूट्यूब में वगैरह देखा था बहुत, बट यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। क्या पता हमारे साथ ऐसा क्यों होता है यार, हम जहाँ पर भी जाते कुछ भी नहीं प्लान वगैरह। ये दूसरी बार है जब हाँ फ्लेमिंगो देखने आए, ये दूसरी बार है एक्चुअली, दूसरी बार आए हम यहाँ पर हमें यहाँ पर फ्लेमिंगो नहीं नजर आए। क्या करें अभी समझ नहीं रहा, अभी हम कुछ नहीं वापस जाने वाले घर। एक्चुअली मैं वीडियो ही नहीं बनाने वाला था, मैं यहाँ पर आने के बाद शुरू करने वाला था वीडियो, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मैं कंफर्म करने वाला था कि फ्लेमिंगो है या नहीं। शाम के वक्त दिखाई दे रहे थे फ्लेमिंगो, पता है तुझे जो हमने वीडियो देखा। हाँ और हम आ गए सुबह सुबह 9:30-10 बजे आ गए थे, 11:30 बज गए अभी, जल्दी आने वाले थे। हाँ अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर आके मैं देखने वाला था कि फ्लेमिंगो है या नहीं और उसके बाद ब्लॉग बनाने वाला था, जैसे कि अभी यहाँ पर नहीं है तो मैंने ब्लॉग ही क्यों बनाया, आएगा ना क्वेश्चन तो आएगा ना, हाँ दिमाग में तो आएगा ना कि क्यों बनाया फिर वीडियो। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये जगह, भाई ये जगह देखो कितनी मस्त है, हमें नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसा भी कुछ है भाई। इसकी वजह से 10:30 बजे आए थे, यहाँ पर आकर बैठे 11:30 कब बज गए हमें पता नहीं। बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह है, यहाँ से सीउड स्टेशन बहुत पास है और आगे जाने के बाद सीबीडी है, और देख सकते हो एकदम मस्त जगह यार। यहाँ पर फ्रेंड के साथ आओ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आओ, आपके प्रिय दोस्त के साथ आओ, किसके साथ भी आओ, यहाँ पर आकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसी जगह और कहाँ पे है मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना, अगर आप नई मुंबई में रहते हो तो। और मैं चाहता हूँ कि नई मुंबई के सारे लोग ये वाली वीडियो देखें कि फ्लेमिंगो यहाँ पर कब आते। एक्चुअली मुझे लगता है कि फ्लेमिंगो आने का टाइम सनसेट वाला टाइम है, मतलब कि 5 के बाद या सुबह सुबह आओ एकदम 7-6 बजे। बहुत नसीब वाले लोगों को ही दिखाई देता है फ्लेमिंगो, ऐसे किसी को भी नजर नहीं आता, जैसे कि हम तो यार लोकल है यहाँ के, हमें तो दिखाई भाई, हम लास्ट टाइम आ चुके थे जो वहाँ पे टीएस चाने के ना कॉलेज, वहाँ पर गए थे, वहाँ पे नहीं दिखाई दिए। वहाँ पर हमें क्यों नहीं दिखाई दिए थे, क्योंकि तब धूप ज्यादा थी, सीजन ना होता था, सीजन नहीं था। हाँ सीजन नहीं था तब, और आज साइकिल नहीं लेके आए गाइस, हम ट्रेन से आए, ट्रेन से आए, कोई नहीं स्टेशन से चल के आए, स्टेशन तो पास ही है, पास ही है, 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर चल के आना पड़ता है, इतना दूर नहीं है। पर आप अगर यहाँ पर आओगे फ्लेमिंगो देखने के लिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको फ्लेमिंगो दिखेंगे कि नहीं ये नहीं पता मुझे, पर गारंटी देता हूँ ये जगह आपको बहुत पसंद आएगी। हाँ। क्योंकि आप यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करके ही जाओगे, ऐसे नहीं कि आए अरे फ्लेमिंगो नहीं दिखे चलो घर वापस, ऐसा नहीं, आओगे बैठोगे चिल करोगे थोड़ा और उसके बाद जाओगे। तो अभी थोड़ा सा पढ़ाई, कितना ये देखो भाई यहाँ पे पढ़ाई करना चाहता है, सारे लोग देखने के लिए आते हैं फ्लेमिंगो यहाँ पर किसी को दिखाई नहीं देता, एकदम सुबह आओगे तो दिखाई देंगे, शाम को आओगे तो दिखाई देंगे, ऐसे नहीं देंगे, हमें तो बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि हमारे हमारा और उनका है 36 का आंकड़ा, तो हम जब भी आएंगे उन्होंने ठान लिए कि भाई किसी को भी दिख जाओ पर इन्हें नहीं दिखना। सो अभी हम आ गए साइड के रास्ते से जहाँ से फ्लेमिंगो नज़र आते हैं ना, सो साइड के रास्ते से जाते, तो 2 साल पुरानी वीडियो देखने के बाद मैं यहाँ पे आया और आज देखा कि यहाँ पे फ्लेमिंगो ही नहीं। अरे 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 वो देखो 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 वो देखो वहाँ पर दिखाई दे रहे, और यहाँ से सही दिखाई देता है, वहाँ से हम देख रहे थे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, जैसे यहाँ से साइड से आए अंदर तब यहाँ से दिखाई दे रहे, वो देखो देखो है ना, वो देख पिंक दिख रहा है, पिंक पिंक उनके बच्चे। हाँ तो गाइस फाइनली यहाँ से तो दिखाई दे रहे हमें थोड़े थोड़े, बट हमने आशा नहीं रखी थी कि हमें कुछ दिखाई देगा, हम तो ऐसे ही चलने के लिए आए अंदर, और अंदर इतनी सुनसान जगह है ना, यहाँ पे कोई है ही नहीं। फ्लेमिंगोस तो यहाँ पर है बट आपके नसीब के ऊपर है और आपके टाइमिंग पे ऊपर है, आप कब आते हो, आप टाइमिंग में आओगे तो आपको ज़रूर दिखाई देंगे, हम कभी भी टाइमिंग में नहीं आते, इसकी वजह से हमने तो होप छोड़ दी है कि हमें कुछ दिखाई देगा। चलो अभी थोड़ा अंदर चलते, हमारा क्या रिश्ता है, चलो अंदर चलते थोड़ा सा। और भाई साहब यहाँ की जगह देखो कितनी सही है, एकदम इस पीसफुल और एकदम शांत जगह, बाकी क्या ही बताया आपको, है कोई
किसका वजूद ही नहीं है यहाँ पे। पुलिस आते हो गए यहाँ पर चेक करने के लिए कि यहाँ पे कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा। फ्लेमिंगो देखने के चक्कर में लोग कुछ तो अलग काम नहीं कर रहे, वो वाला नहीं मतलब स्मगलिंग वगैरह। हाँ वो चलते स्मगलिंग हाँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, कुछ ना कुछ तो दिखाई दिया भाई फ्लेमिंगो, बच्चे तो दिखाई दिए उनके। यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा इतना। मैंने सुना है जो फ्लेमिंगो होते हैं ना वो अफ्रीका से आते हैं यहाँ पे, तो मुझे पता नहीं क्यों आते हैं क्या आते हैं, मैंने कुछ हिस्ट्री नहीं पढ़ी। बस नवी मुंबई में हर जगह पर फ्लेमिंगो उनके नाम उनके फोटो सब कुछ हुआ, हर जगह उनकी तस्वीरें हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा फ्लेमिंगो देख ही लेते हैं भाई, क्योंकि अगर नवी मुंबई जिससे फेमस है और मैं नवी मुंबई में ही रहता हूँ तो मुझे देखना तो हक बनता है भाई मुझे। बराबर तो नवी मुंबई में रहने का क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा क्या मतलब कि देखा ही नहीं फ्लेमिंगो और नवी मुंबई में रहते हो तो आप यहाँ पर आओ, आपका नसीब लेकर, आपका नसीब अच्छा होगा टाइमिंग अच्छा होगा तो आपको दिखाई देंगे फ्लेमिंगो यहाँ पे। हमें तो दिखाई दिए, हमारा नसीब इतना भी ख़राब नहीं है। और फ्लेमिंगो जो होते हैं ना उनका सिर एकदम ऐसा एस शेप में होता है और एकदम छोटे छोटे पैर, पतले से पैर। अकेला फ्लेमिंगो कैसे खड़ा है, और वहाँ पे भी एक है। अब हम आ गए एकदम ही पानी के करीब और यहाँ पे देख सकते हो फ्लेमिंगोस, यहाँ पे फ्लेमिंगोस नजर आ रहे। अरे ये तो उनके बच्चे, अरे उनके बच्चे भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे आवाज आ रहा है। हम शांत हो जाते हैं एक सेकंड के लिए और आप बस साउंड सुनो यहाँ का, दिखाई दे रहे फ्लेमिंगोस। मैं ना सिनेमैटिक में डाल दूंगा। तो चलो अभी हम आ गए मॉल के अंदर सीवुड्स के, चल के आने से तो अच्छा है भाई। यहाँ पे स्कैन करो और उसके बाद मेन्यू आ जाएगा और टेबल सर्विस वगैरह सब कुछ सही है, बट हमें डाउट ये है कि भाई खाना है कि नहीं। अबे यार यहाँ पे खाने से अच्छा तो हम घनसोले में चले जाते भाई, पेट भर के खा लेंगे, 300 रुपए चले जाएंगे। इतने में भाई बैडमिंटन आ जाता, हम खेलते भाई रोज सुबह सुबह। ये तो दिमाग में नहीं आया भाई। फाइनली आ चुके हैं धनसोली डोसा वाले शॉप के अंदर भी आ चुके हैं और यहाँ पे अभी बैठे हैं हम। हमने ऑर्डर दिया है भाई मसाला डोसा खाते हैं। सो फाइनली आ गए घर वापस धनसोली। व्लॉग को करते हैं यहाँ पे खत्म। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आ गए भाई वापस से एक बार। अगर आप ये सोच रहे होगे कि अगर मैं यहाँ पर आकर फ्लेमिंगो दे, अगर आप ये सोच रहे होगे कि ये अगर...